जैसे आपको पता है, ओम प्रकाश कोहली जी अब नए कार्यालय प्रभारी है, तो ही इज इन चार्ज ऑफ द होल ऑफिस सेटअप, हेडक्वार्टर इन चार्ज है। और जगत प्रसाद जी तो हमारे अब जनरल सेक्रेटरी थे ही, लेकिन अब हमारे टोली में भी आ गए हैं, तो प्रवक्ता भी है। सो नाउ यू हैव 8 स्पोक्समैन्स, 7 दिन, 8 प्रवक्ता। नहीं क्यों, यानी एक के पीछे हमारे पीछे नहीं पड़ोगे, इतने सारे लोग हैं। आपको ऑफिशियल व्यू हर बार मिलता रहे, इसीलिए ये व्यवस्था। जम्मू से दो दो लोग हैं, एक जम्मू के चार, दूसरे जम्मू के, इसके बाद तो फिर जम्मू की खबर से ही आप इसका इनॉग्रेशन ही करोगे। हाँ वो भी करेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी राजीव प्रताप रूडी जी ने 3 दिन पूर्व एक विषय रखा था, आज भी एयर इंडिया का ये समाप्त नहीं हुआ है और एयर इंडिया का परिचालन शुरू नहीं हुआ है। सरकार को हम जिम्मेवार मानते हैं इस स्थिति में एयर इंडिया को लाने के लिए। और एक स्ट्राइक को समाप्त नहीं कर पाना, यह भी सरकार की अकार्यक्षमता का ही उदाहरण है। पहले तो बातचीत के लिए ही तैयार नहीं थे, लेकिन अब 2 दिन से बातचीत हो रही है और अगर समाप्त नहीं हो रहा है, फिर से सेवा शुरू नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार के नियत में खोट है। लाखों पैसेंजर्स जिन्होंने पहले से बुकिंग किया है वो त्रस्त है, और अनाप शनाप पैसे अंडमान से आने का कम से कम किराया 24,000 हो गया है, 24,000 आज का, सुबह का और हर रोज का। तो आम आदमी अंडमान से कहां से आएगा जो वहां रहते हैं, क्योंकि दूसरी व्यवस्था वहां नहीं है। और सरकार भले यह कह रही है कि दूसरी एयरलाइंस अपने रेट न बढ़ाए, लेकिन वास्तविकता है कि निजी कंपनियों ने रेट्स अपने अनाप शनाप बढ़ाए हैं। तुरंत सरकार को दखल देकर इसको कम करना चाहिए और अंडमान और दूर दराज के क्षेत्र में जिस तरह से भाव बढ़ाए हैं उन पर तुरंत नियंत्रण कर लेना चाहिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि ये जो स्ट्राइक है ये समाप्त हो, इसके लिए सार्थक वार्ता करें और 24 घंटे के अंतर उसका कोई फैसला करें, क्योंकि सरकार कोई फैसला ही नहीं कर पाती और एक व्यवस्था नहीं दे पाती और कर्मचारियों को, पायलटों को आश्वस्त नहीं कर सकती, ये सरकार की विफलता है। लेकिन इससे बड़ा इशू है जो कैग का रिपोर्ट आया है। अब ये तीसरा रिपोर्ट है कि एयर इंडिया की खराब स्थिति के लिए सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है और उसके मंत्री प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने 6 साल इस मंत्रालय को चलाया, दोनों जिम्मेवार है, क्योंकि मंत्री सभों ने भी निर्णय किया है तो सरकार की जवाबदेही बनती है, और प्रफुल्ल पटेल ने इसका संचालन किया है तो उनकी भी जवाबदेही बनती है। जिस तरह से कैग ने अभी फटकार लगाई है सरकार को एक्विजिशन पर, 111 विमान की खरीद, 17,000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी 55,000 करोड़ का विमान खरीद करे, और उसके कारण पूरा उनका बैलेंस शीट ध्वस्त हो जाए, और इतने विमान जहाज आ गए कि उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, इसलिए अन्य एयरलाइन जब 13-14 घंटे का उपयोग करती है दिन में, 24 घंटे में,
एक विमान का, तो यहां हवाई जहाज का 8 घंटे भी उपयोग नहीं हो रहा है। और इसी में और विजन जो उन्होंने बनाई है कि और नई खरीद करेंगे, और खरीद भी ऐसे भाव दामों देकर कि जो अन्य एयरलाइंस खरीद कर रही है उन्हीं कंपनियों से, बोइंग और एयरबस से सस्ते में, लेकिन एयर इंडिया खरीद कर रही है महंगे दरों पर, ऑप्शन न रखते हुए। तो ये सरासर भ्रष्टाचार है। दो पहलू केवल मैं बताऊंगा, एयर इंडिया को समाप्त करने की एक साजिश हो रही है और इसके तहत इस तरह के बड़े पैमाने पर खरीद हुई है और अच्छे अच्छे प्रॉफिटेबल रूट प्राइवेट कंपनियों के लिए छोड़े हैं। ऐसे 32 रूट की सूची मैं आज दे रहा हूं। और जहां अच्छा लोड फैक्टर है, जहां अच्छी ऑक्यूपेंसी है, ऐसे रूट छोड़ देना, बायलैटरल्स ऐसे करना कि जो एयर इंडिया के खिलाफ जाएंगे, मर्जर ऐसा करना कि मर्जर का संचालन ऐसे करना कि एयर इंडिया भी घाटे में गया और इंडियन एयरलाइन भी घाटे में गया, जो दोनों प्रॉफिट में थे इकट्ठा आकर प्रॉफिट बढ़ने के बजाय घाटा ही घाटा शुरू हो गया। क्या ऐसा हो गया कि 2006 में 500 करोड़ का प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां आज 16,000 करोड़ के लॉस में गई? तो ये जो मुद्दे हैं ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2G से ज्यादा बड़ा घोटाला है, ये एयर इंडिया घोटाला है और इसकी स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये घोटाला ऐसा है कि जानबूझकर देश की एयर कैरियर को समाप्त करने की साजिश रची है। किशोर चंद्र देव के नेतृत्व में कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग और सीताराम येचुरी जी के नेतृत्व में स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट, इन दोनों ने पिछले 3 साल में अपने 2 रिपोर्ट विस्तार से दिए हैं, सुझाव दिए हैं और क्या दोष निर्माण हुआ है ये भी बताया है, लेकिन सरकार ने उस विषय में कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसे प्रयास नहीं किए कि एयर इंडिया सफल रहे और उसका घाटा कम हो, बल्कि एक के ऊपर एक ऐसे निर्णय किए कि जिसके कारण एयर इंडिया का घाटा बढ़ता जा रहा है। लगता है कि सरकार के मन में है कि एयर इंडिया बंद हो। पार्किंग बेस कहां मिलेंगे एयर इंडिया को, एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाई अड्डों पर, वो भी प्राइवेट एयरलाइन को पहले मिलेंगे और इनको दूर मिलेंगे। कितना होल्डअप करने को किस विमान को कहा जाएगा ATC मार्फत, वो भी एयर इंडिया के खिलाफ जा रहा है। यानी मैं अगर बताऊं तो आज बहुत सारा भाषण करने का समय नहीं है, लेकिन हर एक चीज में और उसके खरीद में केवल पिछले 6 साल में प्रफुल्ल पटेल के जमाने में 4 बार कलर बदले गए, यानी नए कलर लगाए गए। पहले इंडियन एयरलाइन था, फिर इंडियन किया गया, फिर एयर इंडिया किया गया, फिर करोड़ों रुपए बर्बाद किए, सब कैग रिपोर्ट में आया है। और इसलिए मुझे आशा है कि PAC में भी लोग एयर इंडिया के कैग रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार इसमें तुरंत एक इंडिपेंडेंट जांच बिठाए और उसको सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे, क्योंकि ये नहीं होगा तो ये एयर इंडिया का घोटाला जो है वो एयर इंडिया घोटाला 2G स्कैम इतना और उससे भी बड़ा है ये अपने को पता चलेगा। ये बहुत एक एयरलाइन को तबाह करने का ये षड्यंत्र है। और इसलिए हमने आज जो स्ट्राइक चल रहा है उसके बारे में जो लोगों की असुविधा हो रही है उसको समाप्त करने में जो सरकार की असफलता है उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं और एक नए जांच की मांग करते हैं जिससे ये घोटाले का पर्दाफाश होगा। It is not the issue of supporting or opposing the strike. We are pointing out the government's responsibility as to end the strike is the responsibility of the government. But that means you are saying that the government should accept the pilot's demand.
No, we are saying they must sort out the issue amicably so that the airline starts and the passengers trouble. कौन से प्रेस नोट बनाए हैं? या बट दे आर मीटिंग आई होप टू ऑल द पीपल सो दैट ऑल्सो इज अ रबिश दैट इट्स अ बीजेपी इंस्टिगेटेड स्ट्राइक नथिंग टू डू विथ वी डोंट हैव द यूनियन इफ वी वुड हैव द यूनियन वी वुड हैव सेड इट ओपनली दैट यस इट इज अ बीएमएस लेड यूनियन बट इट इज नॉट But today the union is not of the party. But once somebody is raising the genuine issues, but the issues are not raised by only pilots. Issues is raised by Standing Committee on Transport, led by Sitaram Yechuri. Issues are raised by Kishore Chandra Dev-led Committee on Public Undertaking. So everybody is raising the issues, giving the suggestions, are expressing the concerns, and still government is not ready to address the issue. And that is why it's a malafide thing, it's a sabotage, it's a conspiracy to kill the Air India, and that is why we are demanding a special investigation under the Supreme Court monitoring of Air India scam, which is more than the और मुझे तो कभी कभी लगता है कि सरकार अगर ये कहेगी कि ये बीजेपी इंस्टिगेटेड स्ट्राइक है दिस इज अपनी कमी को छुपाने के लिए अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस तरह के आर्गुमेंट सरकार करती है मुझे नहीं लगता किसी ने ऑफिशियल किया है कि नहीं लेकिन जो भी सोर्सेस कहे होंगे वो सही नहीं है मुद्दा है कि लोगों को राहत देने के लिए और ऐसे भरे सीजन में मई महीने का सीजन है जब लाखों लोगों ने अपना बुकिंग किया है उनको रद्द करके अगर प्राइवेट एयरलाइन में जाना है तो 2 गुना 3 गुना खर्चा होगा इसके लिए और पूरा जो तकलीफ है उसके लिए कौन जिम्मेवार है और जैसे मैंने उदाहरण दिया आज सुबह पिछले 8 दिन से जब से ये स्ट्राइक शुरू हुआ है अंडमान से जो 5-7 हज़ार में आते थे लोग उसकी कीमत आज 25,000-27,000 तक बढ़ गई है ये जो लोगों को तकलीफ हो रही है इस पर सरकार कुछ नहीं कर रही So we are also saying that government is duty bound to end the strike. No, who is adamant? Government has not told whether government is adamant or pilots are adamant. We are not going because we are not privy to the meeting. What we are saying essentially is that government is duty bound to end the strike and the end is strife of the people, difficulties of the people. That's the issue and a larger issue. Larger issue of killing the Air India and investigating the Air India scam are the larger issues for which we are raising our voice. जी बताइए। इसके बारे में सारे देश की एक भावना है और कल सेना प्रमुख और मैं उनके हाँ सेना प्रमुख जी ने कहा है खुद No, he has been criticized. Somebody may criticize, but he has expressed that the military is ready for any such strike. It has to be the political will of the government. मैं वही बताना चाहता हूँ कि अपने थल सेना अध्यक्ष ने कल ही कह दिया और सेना अध्यक्ष ने कि अपनी सेना जैसे अमेरिका ने कार्रवाई की अपने आतंकवाद अपने देश पर हमला करने वाले आतंकवादियों को वापस लेने के सक्षम है सवाल है राजनीतिक इच्छा शक्ति का तो इसका परिचय तो सरकार को देना है और सरकार देती नहीं और ऐसे दिन जबकि हमें जोर से बात करनी चाहिए उस दिन हमें ही वो सीना जोर चोर तो चोर और सीना जोरी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है हमारे तरफ से तो हम चेतावनी नहीं दे रहे लेकिन वही हमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो देखो क्या होगा तो
नहीं नहीं व्हाट यूएस सेज वी आर नॉट कंसर्न विद, व्हाट वी आर सेइंग इज 26/11 इज ए मोर देन 9/11 फॉर अस। बिकॉज इट वॉज अटैक ऑन इंडिया, वेन वी एज एन इंडिया आर स्पीकिंग 26/11 इज द ग्रेव थिंग टू हैपन फॉर द कंट्री। My answer is the same, that the Mumbai attack was a unique attack because never world has seen attack like this. For 5 days, Mr. Prakash Jawdekar, for 5 days, your chief minister was missing on Indo-China border, and your former army chief, who was the governor, said he is alive. You could not find out your chief minister for 5 days. The army said it is alive, and 5 days later, it turned out he died. बट लेट मी टेल यू, और इसीलिए कल मैंने पवन हंस की बुरी स्थिति का नहीं नहीं बट वी आर टॉकिंग अबाउट पवन हंस बिकॉज फ्रॉम द हेलीकॉप्टर देर आर नो सिग्नल्स कमिंग एंड दैट इज द फेल्यूअर। और पवन हंस के फेल्यूअर के बारे में मैंने कल विस्तार से एक पत्रक निकाला है, क्योंकि अभी हमने फिलहाल रिव्यू लिया जिस तरह से 25 साल में पवन हंस की दुर्गति हुई है और किसी ने ध्यान नहीं दिया, और पवन हंस जो एक बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी बन सकती थी उसके जगह उसको एक फाइनेंस कंपनी और मनी लेंडिंग का काम करने वाली कंपनी, माइक्रो फाइनेंस और मेजर माइक्रो फाइनेंस की कंपनी बना दिया गया। इसको विरोध करते हुए हमने ये कहा है कि पवन हंस को पूरा पुनर्रचना होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए, और उनको तुरंत नया फ्लीट देना चाहिए। हर रोज बॉम्बे हाई पर जाने वाले सारे इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स उनको बहुत ही आज जान खतरे में डालकर वो बेचारे हर रोज आते जाते हैं। अब 8 साल के बाद सवाल पूछ रहे हो या No, it was the to save the common people. Yes. हाँ बताइए ना। आपने भी कहा कि सेना पर हमने भावना प्रकट की है, देशभक्ति भावना है। बीजेपी सरकार तो बहुत तरह की मांग करती रही है। क्या बीजेपी यह मांग करती है कि जो भारत के आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए, जैसे अमेरिका ने कहा है कि भारत को भी करना चाहिए? भारत की सेना इसके लिए तैयार है, इसका भरोसा सेना प्रमुख ने दिया है। निर्णय सरकार को करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि ये इसराइल और अमेरिका ने और दूसरे देशों ने बहुत बार ये दिखाया है धाड़स, लेकिन भारत सरकार इस तरह का धाड़स नहीं दिखाती। हमें किसी भी तरह से हमारे भूमि पर आक्रमण करने वाले आतंकवाद की लड़ाई खेलने वाले आतंकवादियों को, चाहे दाऊद है, चाहे हाफिज है, चाहे लखवी है और बाकी है जिनके आज 40 लोगों की सूची सौंपी है, वो डिप्लोमेटिकली लाओ या दूसरी तरह से लाओ, लेकिन उनको भारत में लाकर उनको उनको सजा देना ये जरूरी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। जी एक सेकंड प्लीज, नहीं हाँ सीधा जवाब चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक की बात यशवंत सिन्हा जी ने कही है। 2 दिन पहले आपकी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी जिसमें कंसीडर व्यू ये था कि हमको बात नहीं करनी चाहिए, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकता, सर्जिकल स्ट्राइक में हम कुछ नहीं कहेंगे। यशवंत सिन्हा जी ने कहा है सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, बीजेपी का रिस्पॉन्स क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए कि नहीं? हम आर्मी का रिस्पॉन्स नहीं जानना चाहते, हम आपका रिस्पॉन्स जानना नहीं। वही हम कह रहे हैं कि इसके लिए पहले जो आशंका देश के मन में थी कि सेना तैयार है कि नहीं, तो सेना प्रमुख ने कहा है कि हम इसके लिए तैयार है, हम इसका स्वागत करते हैं। यही तो कर रहे हैं, हम सेना प्रमुख के तैयारी का स्वागत करते हैं। वो तो उन्होंने कह दिया। यशवंत सिन्हा जी
नहीं नहीं उन्होंने कह दिया, फिर वही रिपीट क्या करते हैं? हाँ वही तो मैंने कहा। What is that? US has said that there's no evidence to say that Pakistan had any information on Osama bin Laden being present. No, we don't want to engage ourselves into the controversy arising out of between Pakistan and USA. There is nothing. What has been done, and now world knows it. What has happened, and that is the way Americans do it. It's a professional assignment. He's your MP. So, MP has also a profession. No. 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 Our campaign is strong and will become more stronger. With the Jet Malani meeting, get aside. Thank you.